कहर है ये कुदरत का, भी नहीं अवेलेबल है यार लोगों के लिए। देखो इतना बड़ा पवित्र हिंदू धर्म का ये धाम है अपना। लाइन में हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जय बोलेगी सभी भक्तों को। केदार घाटी के खूबसूरत मार्केट सोन प्रयाग से आप सभी का वही स्वागत है। सुबह का समय हो चुका है 7 के करीब का। कल रात हम इधर में 11:30 के लगभग पहुंच चुके थे भाई। बारिश कल सुबह से शुरू हुई है और अभी तक कंटिन्यूसली बारिश हो ही जा रही है। रात को जब हम भाई इधर में स्टे करने लगे उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश और बढ़ गई थी। तो हमें इधर में रहने के लिए ये इधर में है ना छोटे छोटे से एक दुकानों के अंदर इन्होंने स्टे बनाए हुए हैं। 100-100 रुपये लेते हैं और पर रात आप उधर में रुक सकते हो। तो रात के अपने 4-5-6 घंटे नहीं 7 घंटे हो गए ना भाई, 7 घंटे अपने बड़े अच्छे बीत गए भाई। नींद हमने पूरी कर ली है, कपड़े अपने पूरे बीत चुके हैं। अभी भी सुबह सुबह बारिश फिर दोबारा शुरू हो चुकी है। कुछ इस तरह का माहौल है भाई ऊपर में, ये ऊपर जो गौरीकुंड का रास्ता जाता है। तो चलते हैं अभी नीचे जाना है अभी हमने बस स्टैंड की ओर। बस स्टैंड से बस पता करते हैं फिर आज का आगे का सफ़र अपना शुरू करते हैं। चले भाई चलो। अरे ओह हाँ, सुबह सुबह वैसे ऊपर जाने वाले यात्री भाई बहुत ज़्यादा निकल गए, बारिश में ही चले जा रहे हैं यार। मैं तो है ना बारिश में ये क्या कहते हैं ऊपर ट्रैकिंग करना कभी भी है ना अच्छी बात नहीं समझता, पता नहीं लोग क्यों जा ही जा रहे हैं भाई। ये देखो अभी भी ऊपर चल ही जा रहे हैं, कल रात भी ऊपर जा ही जा रहे थे लोग। जो रात को ट्रैकिंग करना पहाड़ों में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्या हमने तो की है, पता नहीं क्यों बच्चे बुढ़े भी जा ही रहे हैं ऊपर, पता नहीं यार इतनी क्या जल्दबाजी होती है ना। खैर जी चलते हैं बस स्टैंड की ओर और बस का पता करते हैं उधर से हम। और ये इधर में वही रजिस्ट्रेशन चेक कराने वाली प्लेस आ गई है। और भाई देखो गैंग निकल गई है पूरी, बरसातों बरसाती वाली बरसाती पहन पहन के गैंग बन गई है इनकी। और इधर में भाई चेकिंग की लाइन लंबी लग गई है देखो। हाँ 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 वाह वाह, ये सोन प्रयाग की मार्केट। इधर में सुबह सुबह का माहौल वैसे ठंडा सा होता है, जैसे जैसे मौसम साफ हो जाएगा धूप हो जाएगी फिर गर्म होता जाएगा। वाह वैसे अभी फिर दोबारा शॉर्ट्स पहन लिए हमने, शॉर्ट्स में ही सही है यार। कल जो हमने फुल पैंट पहनी हुई थी भाई पूरा बुरे हाल हो गए उसमें, पूरा भीग गई अंदर से भीग गया, पता नहीं कैसे यार इतना समस्या हो गई थी रात को। रात तो ऐसा लगे कपड़े उतारो भाई लेटो जल्दी से जल्दी लेटो भाई, लाइन लंबी लग गई है इधर में। देखो चेक करो गाइस, सुबह सुबह सोन प्रयाग के अंदर बड़ी लंबी लाइनें लग गई हैं बरसात के मौसम के अंदर। देखो ये सबसे बड़ी है ना इधर में समस्या ही है यार एक तरह की, ऐसा लगा लो इतना बड़ा धाम है, कोई ऊपर में शेल्टर नहीं है, कोई रेन शेल्टर नहीं है लोगों के रुकने के लिए, क्या अगला आधा एक घंटा रुक जाए, कुछ भी नहीं अवेलेबल है यार लोगों के लिए। देखो इतना बड़ा पवित्र हिंदू धर्म का ये धाम है अपना। ये चीजें लोगों को हाईलाइट करनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं करते यार। इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं देखो, दादियां बुड्ढे बच्चे छोटे सारे बेचारे लाइनों में ना तड़पते ही रहते हैं कि यार कब हमारा नंबर आएगा, कब हम आगे जाएंगे। ऊपर से बारिश होती जा रही है, कल भी ऐसा ही हुआ। कल जब हम दर्शन करने के लिए ऊपर लगे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई, लोग ऐसे ही खड़े रहे भाई, कुछ भी है ना मतलब किसी को सुविधा कोई मिली नहीं। खैर चलो यार पॉइंट है कुछ जो आज हम डिस्कस करेंगे है ना। सोन प्रयाग से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी ऊपर ज़्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ती है या गाड़ी लेके जाना पड़ता है ऊपर में है ना। त्रियोगी नारायण है जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया था, उधर में भोले बाबा और पार्वती मैया की शादी हुई थी भाई, लोग बहुत उधर में जाते हैं भगवान का जो उधर में मंदिर बना हुआ है वो देखने के लिए जाते हैं। और इधर से ये आपको सोन प्रयाग की मार्केट से ही है ना टैक्सियाँ भी मिल जाती हैं जो 50-100 रुपये लेती हैं, ऊपर तक छोड़ के आ जाती हैं आपको। बड़ा खूबसूरत प्लेस है वो भी देखने वाला, बारिश ना हो रही होती तो हम भी चले जाते यार, बट बारिश में तो कोई चीज़ देखने का ज़्यादा मज़ा आता ही नहीं है यार, खज्जल खुवारियाँ ही हैं हर जगह बारिश में। तो ये सारी त्रियोगी नारायण जाने के लिए रुकी हुई है भाई इधर में। ओ ये तो कल वाला ही है जो अपने साथ आया था। सोन प्रयाग से 1 किलोमीटर चलने के बाद भाई हम पहुंच चुके हैं जहां पर हमारी बस लगी हुई है, मतलब मिलेगी बस है ना, जो बस वाला बस अड्डा है, इसका नाम तो पता नहीं यार पार्किंग का क्या नाम है। बड़ी ये नीचे की ओर
सारी बसें आपको दिखाई दे रही हैं, इधर से प्राइवेट सरकारी हर एक बस मिलती है भाई। तो बस के फेयर की बात की जाए तो इधर से ऋषिकेश जाते हैं तो 500 रुपया लगता है बस से, अगर आप टैक्सी लेके जाते हैं तो आपका 900 रुपया लगता है भाई। तो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बस ही है। बाकी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी अभी हो रही है, ये पता नहीं कब जाके रुकेगी यार। मैं कहीं भी चला जाऊं, पिछली बार मैं शिमला गया उधर बारिश होने लगी, और भी दो तीन साल जगह गया तब भी बारिश होने लगी, अब फिर इधर अपना पीछा ही नहीं छोड़ती यार बारिश। सीतापुर का ये वाला बस स्टैंड है जो मैं बता रहा था नीचे, और भाई पब्लिक चेक करो गाइस, आज यात्री बहुत ज़्यादा आए हैं भाई। सुबह भी कम से कम ऐसे 5-6 जत्थे देख लिए हमने भर भर के 100-100 बंदों की लाइन में। इतना पागल होकर चलाते ना भाई ये लोग गाड़ियाँ, सवारी भरने के लिए ये दूसरे बंदे को मार भी सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, इनके लिए बड़ी बात नहीं है भाई, पागल ही हुए पड़े हैं। हाँ अभी हम इधर से नीचे उतर जाएंगे और उधर से बस। हाँ जी कहाँ जाने के लिए? गौरीकुंड? हाँ हाँ आगे से मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे जाके भाई। बाहर में अभी भी है ना बारिश हो रही है भयंकर वाली, मेरे को नहीं लगता आज सारा दिन बारिश रुकेगी। समय हो चुका है 7:22 का और 8 अपनी ये बस चलेगी। फाइनली आगे वाली सीट ले लिया, यही हम सोच रहे थे, दोनों भाई बातें कर रहे थे कि आगे वाली सीट मिल जाए क्योंकि पीछे में भाई इतनी स्पेस भी नहीं होती, लेग स्पेस इधर में तो मजे से, लेग स्पेस अच्छी है अपनी, आराम से बैठते हुए जाएंगे। ठीक है जब बस चलती है फिर आसपास के नज़ारे देखेंगे। पहले मौसम साफ हो गया फिर दोबारा भाई क्लियर हो गया, पहले साफ हो गया था अब फिर दोबारा धुंधी धुंध हो गया भाई। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा अभी, रुद्रप्रयाग तक मेरे को लगता है ऐसे ही रहेगा भाई, हल्के हल्के छोटे छोटे से झरने हैं। लगभग हम 15-20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं भाई, और भी जाएगा सामने की ओर। बरसात की वजह से देखो भाई पूरा रोड ही नीचे धस गया है भाई, देखो कहर है ये कुदरत का। अभी भाई अपनी गाड़ी पहुंचने वाली है रुद्रप्रयाग में, और मौसम देखो कैसा हो चुका भाई इधर में, पूरा खूबसूरत है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा, पिछले इतने सालों में हम आए इस साइड कभी ऐसा माहौल देखने के लिए नहीं मिला, बारिश ने काम खराब कर रखा है, बाकी सब कुछ ओके है भाई। ये देखो सारे रोड की हालत ही खस्ता हो रखी है इधर, चेक करो गाइस चेक करो कितना बड़ा बवाल हो गया इधर में, पीछे में बारिश की वजह से कंकर गिर रहे हैं, इधर में बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं भाई। तो गाइस फाइनली यार पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के बस स्टैंड में, और समय हो चुका है शाम के 6 का भाई, पूरे अपने को 8 लग गए, सुबह हम 8 बैठे थे बस में, 8 चली थी बस उधर से, और 6 गए भाई, हिसाब लगा लो अपने पर ना पूरा 7-8 लग ही गए पूरा भाई। सफ़र ज़्यादा दिखाने का इसलिए दिल नहीं किया क्योंकि एक तो मैं सो गया था भाई, और दूसरा सेम ही रूट था ना जाते समय भी, हमने पूरी वीडियो बनाई थी, और हर जगह पर लैंडस्लाइड हुई हुई है, और बारिश हमें भाई ऋषिकेश से, जब ऋषिकेश 50 रह गया था तब बारिश रुक गई, उसके बाद बारिश नहीं थी, बट ऊपर तो बारिश ही बारिश है। अभी ऊपर का भी माहौल दिखाऊँ आपको, पूरे देखो उधर में बादल ही बादल हो रखे हैं हर जगह पे, और इधर वाली साइड तो पूरा काला काला बादल हो रखा है भाई, बारिश वाली संभावना इधर में है ऊपर वाली, और लड़ाई होगी इनकी। ठीक है जी अभी है ना अपनी 7:40 की अपनी ट्रेन है इधर से, एंड फिर ट्रेन लेंगे हम, फिर अपना पटियाला शहर की ओर निकलेंगे। फिलहाल अभी खाएं पिएंगे कुछ चाय पानी पी लेंगे और हल्का फुल्का कुछ भोजन कर लेंगे, और उसके बाद फिर अपनी ट्रेन की ओर निकलेंगे। अब बोलोगे कपड़े भी चेंज कर लिए भाई, सुबह से एक तो नहाने का टाइम नहीं मिला, पूरा समय था अपने पास जब हम उठे, तो हम इधर आके ऋषिकेश बस स्टैंड के अंदर ना इधर में पीछे शौचालय बने हुए हैं, बड़ा साफ़ सुथरा यार इन्होंने, और क्या कहते हैं वॉशरूम्स बनाए हुए हैं नहाने के लिए बाथरूम,
तो नहा लिए हैं भाई, फ्रेश अप हो गए हैं, कपड़े चेंज करनी है एंड अभी चलते हैं अपना स्टेशन की ओर। ठीक है जी, खाने के लिए और तो कुछ सूझा नहीं यार हमें, हमने सोचा कि गर्मा गर्म पकौड़ी करा लेते हैं, ताजे ताजे बन रहे थे फ्रेश, फिलहाल ये खाते हैं भाई, साथ में पहाड़ों का नज़ारा लेते हैं ऊपर में। क्या भाई ठीक है, ऑटो वाला तो कोई मिला नहीं है, शेयरिंग वाला वो बोल रहे थे पर्सनल में लेके जाएंगे, 100 रुपया लेंगे। मैं क्या गूगल पे मैप लगा के चले जाते हैं, पैदल ही निकल जाते हैं, तो पैदल निकले जा रहे हैं भाई ऋषिकेश की गलियों से, 1 किलोमीटर इधर से और रेलवे स्टेशन में सीधा जाके आपको मिलते हैं भाई। होपफुली मतलब पहले तो हम 1 घंटा पहुँच ही जाएंगे कि सीट एक अधी खाली मिल जाए जनरल कोच में, फिर मज़ा आ जाएगा, नहीं तो फिर सारी रात तंग होकर जाना पड़ेगा अपने को। ट्रेन स्टेशन से ट्रेन चलने से 45 मिनट हम पहले ही पहुंच चुके हैं और अभी जा रहे हैं जनरल कोच की ओर। ये वाली जो ट्रेन है हमारी भाई, ये बाड़मेर टू ऋषिकेश एक्सप्रेस, श्री गंगानगर एक्सप्रेस है, 14887 नंबर इसका है। वो पीछे वाले 2 बर्थ हैं जनरल कोच के, 2 डब्बे आगे लगे हुए हैं, 2 पीछे लगे हुए हैं और ये अपना टोटल इधर से 7:45 पे चलेगी और सुबह हमें कुछ 2 बजे के लगभग पहुँचा देगी, S4 S5, फिर आगे जीवन आ जाएगा। ठीक है जी,